ये जो धीरे से कमेंट आ रहा था वो तो ये आ रहा था कि ये थोड़े ज्यादा हो गए, पार्टी के हाल आजकल यही हो रखा है, सबको ले रहे तो समझ नहीं आ रहा कौन आगे कौन पीछे। ले उसको रे, जो हम किसी को नहीं ले रहे, जो हमारी विचारधारा से जुड़ेगा हर किसी का स्वागत है, इन भाइयों का भी स्वागत है। अगर उसमें अच्छा अच्छा एक 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 मैं ये एक नहीं है, मैं यही पूछा था, पिछला रिकॉर्ड कुछ भी हो, जो मुख्य धारा में आना चाहेगा तो उसको, जब समाजवादी पार्टी में वो रह करके या बसपा में रह करके वो मंत्री पद में रह सकता है, तो हमारे विचारधारा क्यों नहीं जुड़ सकता। ये ना, क्योंकि अच्छा जोश था इसलिए मैं यहाँ कंटिन्यू करके फिर आप पर आता हूँ। तो वहाँ जो मंत्री पद पर था उसके खिलाफ धरना था, यहाँ आएगा तो भी धरना होगा? धरना जो हमारी विचारधारा मिल गया, फिर धरना किस बात का? जो हमारी विचारों की बात, हमारे बात क्या मुद्दों की नहीं और विचारों की? विचारों की मैं आपको बताता हूँ, आपने सनातन धर्म में से वाकिफ हो, रामायण भी आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। वाल्मीकि जी किसी समय में साधुओं को मार काट कर अपना परिवार का लालन पालन पोषण करते थे। एक समय उनके साथ में ऐसा आया कि साधुओं ने कहा कि भाई जो मार काट कर रहे हो, क्या आपका परिवार उसमें सहभागिता है? तो जो ये पीछे नेता करके आए हैं उसमें हमें कोई मतलब नहीं। जब राम का नाम भाजपा में आके ले लिया तो सब पवित्र हो जाता है, अपराध भी माफ है। नहीं सुनिए, अपराध बताता हूँ, अपराध अपराधी कोई सजा आपको देख रहे होंगे, जो जो अपराध इस सरकार में या अपने नेता हो या दूसरा पक्ष का नेता हो, उसको बराबर सजा मिली है। अच्छा चलिए बराबरी की बात पर ना, वो वाली लिस्ट फिर से बोली, किस किस को नोटिस नहीं पहुंचा? देखिए मैंने सारा बता दिया कि जो भी है, जिला अस्पताल भी हमारा बनाया हुआ है। वो जो लिस्ट में बता रहे थे कौन कौन आया जिसको नोटिस नहीं? अच्छा अच्छा बता दिया इनको, नारायण राणे आए, और नारायण राणे जानते हो गए ना, हेमंत बिश्व शर्मा को भी जानते हो गए, वो भी थे बकाया है? नहीं पवार भी आए, अजीत पवार, बहुत लंबी लिस्ट है, इतने आए कि आपने छगन भुजबल फाइल ही नहीं मिल रहा है। हेमंत एक अधिकारी है जो तृणमूल कांग्रेस से इधर आए हैं, मतलब एक हो तो बताएं, एक हो तो बताएं, एक चीज देखिए एक, अरे साल ये नहीं भाई, अरे पूरे आवेश को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि देखना जनता ही रही है। हाँ देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार की क्या बात करेंगे, भ्रष्टाचार से ये लड़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के माध्यम से जिन्होंने कंबल ओढ़ करके घी पीने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये अवैध पैसे को वैध बनाना चाहते थे, ये वही लोग हैं, हजारों करोड़ रुपए लोगों का खा गए और 5 स्टार होकर। इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो मुद्दा है और आजकल खूब पूछा जा रहा है, उस पर जवाब देने की, हाँ मतलब हर एक जवाब के लिए एक अलग व्यक्ति। देखिए इलेक्ट्रोल बोर्ड जो बॉन्ड जो है वो एक राजनीतिक, जो हमारी पार्टियां हैं उनको चंदा लेने के लिए एक पारदर्शिता का एक माध्यम बनाया था, किसी की भी आइडेंटिटी उसमें शो ना हो, इसके लिए उसकी जो व्यक्तिगत आजादी है उसको रखने का एक विषय था। आज इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के लिए पीछे सरकार कभी ने उसके लिए मना नहीं किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए ऊपर कोई विषय लाए हैं तो सरकार उसका नहीं रोक लाए हैं तो सरकार उसका समर्थन करती है, और हमारी पार्टी उसको दे उसका जो स्पष्टीकरण है वो आप सामने रख रही है। अब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबकी आस्था है और मान लीजिए वो चंदा दे रहे हैं तो इनको क्यों दर्ज, जब इनकी पार्टियां सत्ता में थी तो तब कितना चंदा मिला, उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं करते? मैं लेकर जाऊंगा, मैं हर पक्ष सारे पक्षों बराबर करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।